पठानकोट के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज अलग अलग अदालतों में नेशनल लोक अदालत लगाई गई, जिसमें लोगों के लंबे समय से लटके आ रहे केस उनकी अपनी सहमति से और बिल्कुल मुफ्त निपटाए गए। इस नेशनल लोक अदालत में हर तरह के केस जैसे फौजदारी का, लव मैरिज, जमीन के झगड़े का व अन्य किसी तरह के केस को सबको लोगों की अपनी सहमति से निपटाया गया। तेजविंदर सिंह सेशन जज ने बताया कि यह लोक अदालत देश भर में लगाई जाती है। इसी के तहत आज पठानकोट में भी यह लोक अदालत लगाई गई है। इस अदालत में 9 बैच लगाए गए हैं और अनुमान है कि इस अदालत में आज करीब 2224 के करीब केस होंगे, जिसका लोगों की सहमति से निपटारा किया जाएगा। तेजविंदर सिंह सेशन जज ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि उनका कोई भी केस हो वह लोक अदालत में आए, क्योंकि यहाँ आपसी सहमति से केस निपटाए जाते हैं। 14 सितंबर नू नैशनल लोक अदालत लगा रहे हैं। यह नैशनल लोक अदालत पूरे भारत भर में लगाई जा रही है। पंजाब लीगल सर्विस अथॉरिटी की हिदायत से पंजाब दे विच हर एक डिस्ट्रिक्ट विच इसका आयोजन किया गया है। पठानकोट विखे असी 9 बेंचेस बनाए हैं, जिन्हें असी 2224 केस लगाए हैं और असी उम्मीद करते हाँ कि काफ़ी सारे केस असी फैसला कर सकेंगे। लोक अदालत का सब तो वड्डा फायदा है वह कि दोनों पार्टियां यह सोचदियां हैं कि असी जित के निकले हाँ। ये असी वकील साहबान ते सोशल वर्कर्स की मदद के नाल असी एमीकेबल सैटलमेंट आपस में राजीनामा कराने की कोशिश करते हैं। जे धिर का राजीनामा हो जाता है और फैसला हो जाता है तो यह जिहड़ा डिक्री होएगी यह नॉन अपीलेबल होएगी। यह फैसले नूं तुसीं अगे किते अपील नहीं कर सकते। उसका मतलब है कि इस दी सैटलमेंट दे नाल एक किस्म के चार केस जिहड़े कि तुसीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करने हुंदे हन वह एकदम खत्म हो जाते हैं। और मैं आम जनता नूं यह अपील करता हाँ कि हुण अगली लोक अदालत दसंबर दे विच लगाई जा रही है और दसंबर दे विच इस दे विच वध चढ़ के हिस्सा लिया जाए। इस दे विच कोई भी पैसों का लैन देन का झगड़ा वह भी रख सकते हाँ असी, मालक मकान किराएदार का झगड़ा या कोई मीवा बीवी या झगड़े या कोई फैमिली डिस्प्यूट किसी भी किस्म का डिस्प्यूट नूं असी रख के सैटल कर सकते हैं। मैं आम जनता नूं यही अपील करता हाँ कि इसका पूरा लाभ उठाया जाए और अपना धन ते समा बचाया जाए अते नाल ही कोर्ट का भी धन ते समा बचता है। थैंक यू वेरी मच। पठानकोट से कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।